नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ऐसे एक शहर के बारे में बात करने वाले हैं जिसे ऊंची ऊंची इमारतें, लग्जरी गाड़ी और 0% क्राइम के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुबई के बारे में। फारस की खाड़ी के दक्षिण में स्थित दुबई संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरातों में से एक है। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात का सबसे घनी आबादी वाला अमीरात आज एक वैश्विक शहर और व्यावसायिक केंद्र के रूप में उभरा है। एक अमीर और बेहद खूबसूरत शहर है। यहाँ की गगनचुंबी इमारतें, दर्शनीय पर्यटक स्थल और लग्जरी लाइफस्टाइल पूरे विश्व के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसे मिडिल ईस्ट का पेरिस भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं शहर के बारे में और भी कई मज़ेदार बातें। दोस्तों, दुबई का विकास 1960 के बाद तब प्रारंभ हुआ जब यहाँ तेल की खोज हुई। उसके पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन मात्र 50 वर्षों में इसने इतनी तरक्की कर ली कि आज ये विश्व के शानदार शहरों में गिना जाता है। दुबई के मूल निवासियों को अमीराती कहा जाता है। ये दुबई की कुल जनसंख्या की मात्र 15% है, बाकी आबादी विदेशी है, जिसमें अधिकांश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस से आकर दुबई में बसे हैं। दोस्तों, दुबई की आबादी लगभग 28 लाख है, जिसमें से 43.4% लोग भारतीय मूल के हैं। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है, पर अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। दोस्तों, दुबई को विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कहा जाता है। यहाँ क्राइम रेट करीब 0% है। ऐसा यहाँ लागू शरिया कानून के कारण है। ज़्यादातर लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि दुबई की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा हिस्सा तेल का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में तेल का योगदान सिर्फ 6% है। यहाँ राजस्व का मुख्य सोर्स टूरिज्म और रियल इस्टेट है। दोस्तों, दुबई में किसी प्रकार की कर प्रणाली नहीं है, इसीलिए अधिकतर विदेशियों ने दुबई आकर बसते हैं। शायद आप ये जानकर हैरान होंगे कि दुबई में कोई भी एड्रेस सिस्टम नहीं है, मतलब कोई पिन कोड या जीप कोड नहीं होता। अगर आपको दुबई के किसी जगह में जाना है तब तो लैंडमार्क पहचान कर जाना होगा। दोस्तों, दुबई अजीब शहर है। खुद शराब नहीं पीते, लेकिन दूसरों को पिलाते हैं। इसका मतलब दुबई में बिना लाइसेंस के आप ना शराब खरीद सकते हैं, ना घर पर रख सकते हैं। ये नियम मुस्लिम पर लागू है, विदेशी और दूसरे धर्म के लोगों पर ये नियम लागू नहीं होता। दोस्तों, पैसे जहां ज़्यादा होगा, शौक भी थोड़ा अनोखा ही होगा, क्योंकि दुबई के लोग शेर और चीते जैसे जानवर पालने के शौकीन है। दुबई में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज होने के कारण वर्ष 2006 से दुबई में वीकेंड शनिवार और रविवार के जगह शुक्रवार और शनिवार होता है। दोस्तों, विश्व की 24% क्रेन दुबई में ही वर्तमान है। ऐसा यहाँ बढ़ते रियल एस्टेट के कारोबार के कारण है। सन 1990 में दुबई में एकमात्र गगनचुंबी इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर थी, लेकिन आज दुबई में 156 गगनचुंबी इमारत है। दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में ही वर्तमान है। इसकी ऊंचाई है 828 मीटर। 90 किलोमीटर दूर से भी इस इमारत को देखा जा सकता है, और विश्व की सबसे तेज लिफ्ट यानी एलिवेटर इस इमारत में चलती है। दोस्तों, दुबई की बुर्ज खलीफा इमारत इतनी ऊंची है कि इसके 80 माला पर रहने वाले लोग अपना रोज़ा ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों के 2 मिनट बाद खोलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें सूरज 2 मिनट ज़्यादा दिखाई पड़ता है। दुबई में स्थित दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है। यहाँ का रिटेल एरिया 5,02,000 वर्ग मीटर है, और इसमें 1200 स्टोर है। दोस्तों, दुबई रेगिस्तान में बसा है, फिर भी दुबई मॉल में इंडोर स्नो स्काइंग का आनंद उठाया जा सकता है, और यहाँ 70 से भी ज़्यादा शॉपिंग सेंटर मौजूद है। इसीलिए इस शहर को शॉपिंग सेंटर ऑफ मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। विश्व का एकमात्र 7 सितारा होटल दुबई का बुर्ज अल अरब जुमैरा है। इसकी गिनती विश्व के तीसरे सबसे ऊंचे होटल के रूप में की जाती है। यहाँ दिन का अधिकतम किराया 13 लाख रुपया है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा इंसानों द्वारा निर्मित द्वीप दुबई का द पाम जुमैरा आइलैंड है। इसके निर्माण में 94 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत इस्तेमाल किए गए। यह आइलैंड अंतरिक्ष से भी दिखाई पड़ता है। दुबई में ऐसे भी ATM होते हैं जिससे सोने के सिक्के निकलते हैं। जर्मन कंपनी द्वारा एक गोल्ड ATM बनाया गया था और सबसे पहले दुबई मॉल में लगाया गया,
ये पहली ऐसी मशीन है जिससे सोने की बिस्किट, सिक्के और गहने जैसे 320 अलग अलग चीज निकलता है ना कमाल का मशीन। दुबई में एक ऐसा गोल्फ कोर्स है जिसमें रोज़ाना 4 लाख गैलन पानी की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन दुबई का मिराकल गार्डन है। यहाँ 50 मिलियन फूल और 250 मिलियन पौधे हैं। ये गार्डन 72,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ये दुबई का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी। विश्व की सबसे लंबी सोने की चेन दुबई में है। इस चेन की लंबाई 4.2 किलोमीटर, इसका वजन 22 किलोग्राम और इसे 9,600 लोगों ने मिलकर खरीदा है। दुबई के लोग लग्जरियस कार के बेहद शौकीन है। दुनिया की एक से बढ़कर एक बेहतरीन कारें यहाँ देखने को मिल जाती है। दोस्तों, दुबई में स्पोर्ट्स कार की भरमार है। यहाँ तक कि दुबई पुलिस भी लंबरगिनी फरारी जैसी स्पोर्ट्स कार पर चलती है ताकि वो क्रिमिनल को आसानी से पकड़ सके, क्योंकि वहाँ क्रिमिनल भी स्पोर्ट्स कार पर होती होगी। दोस्तों, पूरा दुबई शहर कैमरे से मुड़ा हुआ है, क्योंकि कोई भी वाहन जब ट्रैफिक नियम तोड़ती है उसकी फोटोकॉपी सहित जुर्माने की चलान कार मालिक के घर पहुंच जाती है। दोस्तों, दुबई में गंदी कार नहीं चलाया जा सकता। ऐसे करने पर कार मालिकों को 2000 दिनार का जुर्माना लगता है। दुबई की सड़कों पर ज़्यादातर कार ही देखने को मिलती है। बाइक पर यहाँ फूड डिलीवरी बॉय या तो अखबार बांटने वाले होते हैं। दोस्तों, दुबई में पानी से सस्ता कोल्ड ड्रिंक होता है। दुबई एक गर्म स्थान है। यहाँ सिर्फ घरों और ऑफिस ही नहीं बल्कि बस स्टॉप जैसी जगह पर भी एयर कंडीशनर लगे हुए होते हैं। दुबई में आप बालकनी पर कपड़े नहीं सुखा सकते, ऐसा करने से चालान भरना पड़ता है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी आतिशबाजी प्रदर्शन का रिकॉर्ड दुबई के नाम है। जब से दुबई में तेल की खोज हुई है, ज़मीन को सम्मान देने के लिए कोई ज़मीन गंदा नहीं करता। तो आज का सफ़र यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।